आज मोमिन अंसार सभा के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक हमारे कार्यालय पर, राष्ट्रीय कार्यालय मोमिन अंसार सभा पर हुई है, जिसमें आज का प्रमुख मुद्दा बहराइच में 13/10/2024 को जो घटना घटी है उसको लेकर था। जिस तरह से बहराइच में महसी महाराजगंज के अंदर प्रतिमा विसर्जन के लिए जो जुलूस जा रहा था उसमें जो बवाल हुआ, उसके बाद जो देखने को सामने चीज़ें आई हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, जबकि वहाँ पर एक लड़के की जो मृत्यु हुई है, जो एक बेहद दुखद घटना है, जिसकी वजह से जब ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर ये लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी ताने बाने को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब उसके तहत देखा जाए कि जो पुलिस प्रशासन को सारी चीज़ें जब सामने आ रही, तमाम वीडियो, तमाम ऐसी जो है न्यूज़ें सामने आई हैं जिससे देख के लगता है कि किसी ने इसको दंगा कराया है। ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, उसमें दिख रहे हैं कि जिन लोगों ने एक साजिशन राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए और सांप्रदायिकता भड़काने के लिए काम किया गया है। जब बात सारी बात वाजे हो गई है, उसके बाद भी सिर्फ आज एक पक्षी मुसलमानों पर ही कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर आज मोमिन अंसार सभा का ये कहना है कि हमारे पुलिस प्रशासन, जबकि जब सपा सामने है तो दोनों पक्षी, जिन लोगों ने भी इसके साथ जो जुल्म किया है, जो आतंकवादी गतिविधि अपनाई, उनको तो मैं आतंकवादी कहूँगा, जिन्होंने जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है इस तरह की, तो उनको तो ये कहा जाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनके भी नाम आना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ एक पक्षीय, सिर्फ मुसलमान पक्ष के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है, दूसरे पक्ष जो बवाल करने वाले लोग थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पुलिस प्रशासन को ये चाहिए था तो निष्पक्ष होकर जांच करती, जबकि सामने है कि दो की दुकानें जली हैं, मकान जले हैं, उसके बाद दुकानें लूट ली गई हैं, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक के नहीं की गई है। और इसके एक दहशत, एक माहौल व्याप्त है, लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, लोग मकान खाली कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? इस वक्त मौके पर देखा जाए तो सिर्फ एक आस बची है, जो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको इसका संज्ञान लेना होगा और संज्ञान लेकर जो न्याय दिलाना होगा, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिनके मकान जल गए हैं, जिनकी दुकानें लूटी गई हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर उनको सजा दिलवाने का काम करना होगा, आदेश जारी करना होगा पुलिस प्रशासन को भी कि जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्डोजर की जो कार्रवाई को मना भी किया था, उसके बावजूद भी बिल्डोजर चल गया, ये इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी मर्जी माफी काम कर रहा है। हमने इसीलिए कहा है कि प्रशासन पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना होगा, वो लेके इस तरह की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है कि कार्रवाई नहीं होना चाहिए, हो रही है, इसके पीछे कुछ हो सकता है कि गलत अधिकारी इसके अंदर शामिल हों, उनको भी देखना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। एक बात अभी सामने नज़र आई है कि वहाँ के जो अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, वहाँ जिसको SP कहा जाता है, वहाँ तो उन्होंने खुद बयान दिया है कि जो है गोली एक तरफा चली है, दूसरी तरफ से गोली नहीं चली गई। फिलहाल जो प्रोग्राम जो था वो डिवाइड करना चाहिए, मगर वो नहीं कर पाए, उसकी लापरवाही किसको देना चाहिए? देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो लापरवाही आ रही है पुलिस प्रशासन ही की होती है। और जैसे एक मिसाल भी अभी देखने को मिली है कि पीछे बाराबंकी के अंदर जो बुला के एक वहाँ के अधिकारी ने, कप्तान ने बुला के मीटिंग की और कहा DJ वालों से कि जो है कहीं तुम DJ तो जब बजाओगे तो जब DJ बजेगा उसके अंदर का कुछ गलत होता और DJ की वजह से अगर कुछ दंगा होगा तो तुम्हें जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब देख लिया सब शांतिपूर्वक सारी चीज़ हो जाती हैं, अगर अधिकारी ईमानदार हो जाए, वो चाह ले के जो है दंगा नहीं होने, तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम अधिकारी ही उसी भ्रष्ट अधिकारी का किसी ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं उनको छूट देते हैं तो ऐसे दंगे होते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग फंसाए जाते हैं, उनके मकान तोड़े जाते हैं। अब उस पर रोक लगाने होगी। फिर एक बार हम लोग मोमिन अंसार सभा की तरफ से सारे हमारे पदाधिकारी बैठे डिमांड करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसका संज्ञान लीजिए, जो भी दोषी कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई को बंद करा के दोनों पक्ष में अगर जो भी गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मोमिन समाज के गवर्नर से या मुख्यमंत्री मिलकर जो है कोई लेटर देने की कोशिश करेगा? लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे कि सही से फैसला आ जाए, सही बात का सामने आ जाए, और धीरे धीरे सारी बातों का खुलासा हो रहा है। आज उसी कड़ी में आज सारे मेरे प्रमुख पदाधिकारी यहाँ बैठ कर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, हमारे मुखिया वो हैं, और वो न्याय दिलाने का काम करें, एक पक्षीय कार्रवाई बंद कराकर जिसके साथ भी गलत हुआ है वो गलत करने वाले खिलाफ कार्रवाई हो।